श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जिला लुधियाना के ब्लॉक एक के धांधरा क्लस्टर को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा फरवरी 2016 में शुरू की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत धांधरा क्लस्टर लुधियाना में 100 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड विकास हुआ है। इसमें केंद्र सरकार व पंजाब सरकार दोनों ने सहयोग किया है। रूर्बन जो है ये दो अक्षरों रूरल और अर्बन से मिलकर बना है। ऐसा एरिया जहाँ पे अर्बन एरिया समाप्त हो जाता है और रूरल एरिया शुरू हो जाता है। धांधरा जैसे एरिया के रर्बन होने की वजह से अपने चैलेंजेस हैं। इस प्रोग्राम की वजह से यहाँ पे एक नए युग का आगाज़ होगा और इसकी सक्सेस को देखते हुए और एरियाज भी जो ऐसे हैं जो रर्बन एरियाज हैं वहाँ से बड़े स्तर पर इसकी मांग आ रही है और 6 नए क्लस्टर हमने प्लान करके केंद्र सरकार को भेजे हैं। मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी वो भी साकार होंगे। प्रोजेक्ट का कुल बजट 100 करोड़ रुपए है। जिला लुधियाना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के तहत धांधरा क्लस्टर जिसमें 21 गांव शामिल हैं, उसे 100 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। मैं आभारी हूं पंजाब सरकार का और भारत सरकार का कि उन्होंने लुधियाना को ये प्रोजेक्ट दिया। इससे वहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स भविष्य में भी लुधियाना को मिलेंगे। पंजाब के किसानों की वक् वक् लोड़ के अनुसार पंजाब के लिए जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग के नाल असी एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट पैदा ला रहे हैं। उत्थे एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट के उत्ते 85 लाख रुपया सरकार ने खर्च किया है। इस क्लस्टर के पूर्ण विकास के लिए इन प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। सभी गाँव की सड़कों और नालों को प्रशस्त करना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना जिसमें 1843 सोलर लाइट्स लगवाई गई हैं, गांव में उपलब्ध खाली जमीन पर पार्क बनवाना, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत करवाना, खेल के मैदान बनाना, रूरल हट्स का निर्माण। धन्यवाद करते हैं सरकार दा जिन्हें इन्ना वधिया बनाता मंडी लगन लई। नहीं सानू 10 किलोमीटर शहर जाना पैंदा सीगा। साडे पिंड ही गवर्नमेंट ने इन्नी वधिया सहूलत देती सानू, सानू शहर जाने की हुण लोड़ ही नहीं जी। इन्नी वधिया छां सारी फैसिलिटी देती गवर्नमेंट ने। शमशान घाट की मरम्मत करना, बस स्टॉप का निर्माण कार्य, वाटर सप्लाई और सैनिटरी का प्रबंध, गांव को सीवरेज से जोड़ना, खेल स्टेडियम बनाना, विशाल लेक का निर्माण, बहुउद्देशीय व्यापार केंद्र का निर्माण, क्लस्टर लेवल कमर्शियल स्पेस सेंटर। 2019 दे विच काम सारे साडे विधायक साहब ने शुरू कराए ने जी, जिहदे विच एक कम्यूनिटी सेंटर जिन्हों आप मैरिज पैलेस कह दें, तो स्किल डिवेलपमेंट सेंटर बन रहा जी बच्चों लिए, स्टेडियम बन रहा मल्टीपल, तो एक लेक बन रही है पिकनिक स्पॉट जिहड़ा कि पंजाब का पहला पिकनिक स्पॉट है जिहड़ा 8 एकड़ वधिया लेक बन रही है जी, जिहदा आने वाले समय के लुधियाना वासियों नूं खिच दा केंद्र बनूगी जदों पूरी तैयार होगी जी। कंप्यूटर शिक्षा, वोकेशनल ओरिएंटेड प्रोग्राम, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ सार्वजनिक शौचालय परिसर का निर्माण, पशु अस्पताल की दीवारें बनाना, नागरिक सेवा केंद्र, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी प्रोग्राम्स शामिल हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ Rural Development, Government of India. I'm thankful because our government has thought to develop our villages. Under this mission, we have developed our Tandra cluster, including 21 villages. We spent 100 crores of rupees for the development of these villages. I request our Ministry of Urban Development and Rural Development, these schemes should continue in our country for the development of our rural area.